आज मुझे जाना है किसी काम से ऑफिस, बट देखो यार, इस लॉकडाउन ने ना बुरा हाल कर रखा है। सारी दुकानें बंद हैं, लोगों के रोज़गार चौपट हो रखे हैं। मुझे सिर्फ 2 मिनट काम है, आप यहीं रुको, मैं ओके। कहा था ना 2 मिनट, चलो अब चलते हैं घर की तरफ। एक्चुअली कुछ सामान लेना है तो मम्मी को फ़ोन कर लेता हूँ, 1 मिनट। मम्मी ने फ़ोन तो उठाया नहीं है, तो आते हुए मैंने एक जामुन वाले को देखा था, उससे जामुन लूँगा। एक्चुअली पिछली बार भी लिए थे इससे जामुन, बहुत मीठे थे। और हाँ, वो अगरबत्ती बताई थी ना मच्छरों वाली, वो भी लेनी है। ये देखो, ये जामुन कैसे दिए भैया? पहुँच गए घर। ये ना इसका भाई है, वो जो सीट काटता है। ओए, तेरा भाई कहाँ है? बुला अपने भाई को, मेरे स्कूटी की सीट काटता है। तेरा भाई कहाँ है? ये बहुत प्यारा है। अरे ये तो बहुत प्यारा है, इसका भाई बड़ा कमीना है, ये बहुत अच्छा है। भाई देखो, ये है वो अगरबत्ती जिसके बारे में बात कर रहा था। मतलब मुझे तो बड़ी इफेक्टिव लगी यार ये, देख रहे हो। और 15 रुपये की है मात्र। तो आज जब मैं गया था तो भैया ने मुझे बोला कि भाई ये भी ले जाओ, ये रिफ़िल एक्चुअली। और उन्होंने मुझे ये बोला कि इसकी ना गारंटी है, अगर इससे मच्छर लग जाए एक भी तो ये वापस है, मतलब वापस ही गारंटी, उन्होंने ऐसा बोला है। तो मशीन तो हमारे पास पड़ी होती है, जनरली हम ऑल आउट गुड नाइट वगैरह यूज़ करते हैं। तो इन्होंने ये दिया है, देखो अब 70 रुपये का दिया, 80 रुपये प्रिंट है। देखते हैं क्या होता है अभी, मतलब इतने ज़्यादा मच्छर तो नहीं है तो इसलिए ये तो मैं यूज़ नहीं करूँगा अभी, बट फ़िलहाल तो ये अगरबत्तियाँ ही ठीक है। इसको मैं रख देता हूँ फ़िलहाल वापस अंदर, ठीक है। तो जब होंगे तो दोबारा से बेस्ट प्रोडक्ट। भाई ये कोई पेड वेड प्रमोशन नहीं है, अभी तो मेरे इतने सब्सक्राइबर्स ही नहीं है जो मुझे पेड प्रमोशन मिले, कई लोगों को लगे। तो ये तो मैं जेन्युइन जो घर पे यूज़ कर रहा हूँ उसके लिए है, ठीक है। जय गौ माता। देखो भाई, ये रही पतंग। अब एक्चुअली लंगड़ मार के पतंग लाना ना, उसका अलग ही मजा है। देखते आते हैं आते। आप इतनी पास से पतंग निकाल पा रहे हैं? क्या है, क्या आ रहा है? पतंग अपने अथक प्रयासों द्वारा हमने पतंग को वहां पहुंचा दिया है। ये देखो, ये दिख रही है नीचे। अब विशु को बोलता हूँ जरा जाएगा नीचे और फिर मैं लंगड़ मारूंगा। यहाँ पे है, नीचे लंगड़ मार के इसको गिराता हूँ। देखो भाई, ये रही पतंग, गई ऐसी चली गई। विशु जा भाई, मेहनत करके कुछ चीज प्राप्त हो ना, उसका मजा ही अलग है। देखो भाई, एक पतंग यहाँ पे भी आई हुई है। जब हम छोटे थे ना, जितनी पतंगें भी कटती थी भाई, सारी पड़ोस से। और अब देखो घरों पे भाई, ये देखो जो भी बंदा है, देखो कितना डबल ट्रिपल करा हुआ, और भी चाइनीज मान जा भाई यार। देख रहे हो, ये देख, डबल ट्रिपल मतलब 4 times 5, 4 times किया हुआ है। और चाइनीज, ये देखो चाइनीज मान जा भाई, क्या चाहते क्या हो पतंग से, मतलब ज़िंदगी में कभी कटेगी ना तुम्हारी। बट एक चीज़ तो सही है कि पहले छत पे कुछ नहीं आता था, अब देखो यार ये चाइनीज़ मान जैसे ना भाई। मैं सच बताऊँ, बहुत सारे पक्षी यार, कबूतर कौए लटके हुए देखे हैं यार पार्कों में, रोडों में। मत यूज़ किया करो भाई ये चाइनीज़ मान जाए यार, बहुत बेकार होता है भाई। मेरे एक अंकल थे, उनकी ना गर्दन कट गई थी भाई, स्कूटी से आ रहे थे और मंजा आया, सीधा गर्दन काट गया। मत किया करो भाई ये यूज़ यार, बहुत ख़तरनाक है, सच बता रहा हूँ। किसी की जान चली जाएगी हमारी वजह से, क्या फ़ायदा। और पक्षी तो मरते ही मरते हैं यार, बहुत पक्षी मरते हैं भाई। पिछले साल भी कम से कम, मैंने वीडियो भी डाली हुई है, पिछले साल 3 पक्षी
थे जो एक तो बेचारा मरी गया था, दो को तो हमने निकाल लिया था पेड़ पे, पेड़ पे लटके हुए थे चाइनीज मांझे की वजह से बेचारे, एक गर्दन वर्दन, एक की टांग कटी हुई थी, एक की गर्दन काफ़ी हद तक कटी हुई थी, पर वो बच गए दोनों, फिर एक मरी गया। बुरा हाल है यार।